Cesaro wins the WWE Universal Championship. Oh my god. वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस सिजारो के मैच में, क्या हमें सिजारो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते हुए दिखाई दे जाएंगे कि नहीं। सो इस बारे में बात करने वाले, सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो जैसा कि हमें पता है कि रोमन रेंस वर्सेज सिजारो का हमें मैच देखने को मिलने वाला है रसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू में, जो कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, हमें बहुत कुछ देखने को मिल चुका है जहाँ पर सिजारो को इतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। एंड सिजारो ने रोमन रेंस को मारा एंड उसके बाद तो जे उसो को भी मारा एंड इसके बाद जिमी उसो को भी मार दिया। मतलब अकेला सुपरस्टार जो कि अकेला सिजारो संभाल रहा है रोमन रेंस को। और भाई मतलब यार इतना इंटरेस्टिंग थिंग हम लोग कभी देखे नहीं थे कि भाई एक ऐसा बंदा आके जो कि 2014 के आने के बाद भी इतने सालों तक रसलमेनिया नहीं लड़ा था, इस साल रसलमेनिया लड़ा, वो आके रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो इन सभी को मतलब सुला दिया भाई। मतलब इतना मतलब गंदा पावर आ गया इनके न्यूट्रलाइजर में भाई। यार मतलब मानना पड़ेगा सिजारो को तो भाई, सिजारो इतना खतरनाक सुपरस्टार है, मैंने कभी सोच नहीं रखा था कि WWE इतना खतरनाक दिखा देगी भाई। ब्रॉक लेसनर वो नहीं कर पाया जो ये बंदा कर चुका है, अकेले आया और रोमन रेंस को पीट के चला गया, उसके साथ उसके दोनों भाइयों को भी, जे उसो और जिमी उसो, उनको भी पीट के चला गया। मतलब यार सिजारो इतना खतरनाक, इतना डेंजरस कब से हो गया भाई। मतलब यार मानना पड़ेगा सिजारो को। अब यहाँ पर रोमन रेंस को इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो रोमन रेंस इसका बदला जरूर लेंगे। एंड रोमन रेंस जब बदला लेते हैं तो तुम सभी को मालूम है कि रोमन रेंस कैसा बदला लेते हैं। एंड अगर रोमन रेंस की डिसरिस्पेक्ट हुई तो मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई, एंड मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई तो मतलब मेरे चैनल की डिसरिस्पेक्ट हुई, और मेरे चैनल की डिसरिस्पेक्ट हुई तो मतलब समझ लेना कि रोमन रेंस की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो गई। एंड रोमन रेंस की डिसरिस्पेक्ट का बदला वो कैसे लेते हैं वो तो रोमन रेंस ही जानते हैं। एंड रोमन रेंस ने बहुत सारे ऐसे ऐसे बंदों को धो रखा है कि तुम सभी लोग जान सकते हो, तुम लोग को पता भी है कि रोमन रेंस ने कितना गंदा केविन ओवंस को धोया था। एंड इसके बाद तो डैनियल ब्रायन तुम्हारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनको मार मार के स्मैकडाउन से हकाल दिए, मतलब पूरा WWE से ही दिख नहीं रहे हैं, ऐसा कर दिया रोमन रेंस ने। तो सोचो अब सिजारो का क्या होगा, मतलब सिजारो का तो वही होगा जो सिजारो सोच भी नहीं पाएंगे। एंड तो आई थिंक, मुझे लगता है कि इसका अब मतलब दिन भर चुके हैं सिजारो के। वेल तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिजारो अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच जीते तो कोई इंटरेस्टिंग थिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सिजारो एज ए यूनिवर्सल चैंपियनशिप आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा लगेगा भी। यहाँ पे रोमन रेंस एज ए यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तुम सोच सकते हो कि बंदा क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अभी तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स है कि भाई रोमन रेंस को हराएगा कौन, पहला क्वेश्चन मार्क तो यही निकलता है। एंड रोमन रेंस को भाई हराएगा कौन, उसके बाद उनके कैरेक्टर का कितना खतरनाक होगा। अगर रोमन रेंस के पास टाइटल होता तो कितने सारे ऑप्शन रहते कि रोमन रेंस आगे क्या करने वाले टाइटल के साथ में, आगे हमें क्या देखने को मिलने वाला है, आगे हमें क्या मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, और कौन सा सुपरस्टार चैलेंज करेगा टाइटल के लिए, कौन सुपरस्टार टाइटल छीनेगा, मतलब इतने सारे क्वेश्चन बने रहते हैं। एंड सिजारो के जीतने के बाद तो क्या होगा भाई, सिजारो चैंपियन बन गए, ठीक है, सिजारो के भाई अगला चैलेंजर कौन होगा, बस ये नॉर्मली यही चीज़ देखने को मिलेगा। ना कैरेक्टर डिलीवर, ना हमें कोई ढंग का डिलीवरी मिलेगा देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें रोमन रेंस की तरफ से देखने को मिल रहा है। उनका हील कैरेक्टर का भाई पर्सोना इतना खतरनाक बन चुका है कि हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रोमन रेंस बहुत ही गंदा ड्रॉ बन सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं स्मैकडाउन के लिए, हालांकि जितना हमारे जो कि सिजारो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर रोमन रेंस एज ए यूनिवर्सल चैंपियन फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट हो सकते हैं। अगर रोमन रेंस को हरवाना है तो ब्रॉक लेसनर या फिर भाई साहब मैं कहूँगा सेथ रॉलिंस को इतना बड़ा बना दो कि ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स चुनिंदा हो सकते हैं जो रोमन रेंस को हरा सकते हैं। वेल अगर तुम लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत जाएंगे सिजारो, भाई पहली बात तो बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रहे हो भाई, इतनी गलत फहमी नहीं पाल के रखते। सो वेल पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अपना ओपिनियन बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड सो फिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।